वेलकम बैक टू द बिगनर्स मेकअप सीरीज। आज के एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं काजल और आईलाइनर के बारे में। जितने भी इसके पहले वीडियोस हैं, उन सारे वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगह दे दूंगी, ताकि अगर आपको जानना हो कि बिगनर्स मेकअप किट में क्या होना चाहिए, बिगनर्स मेकअप के लिए ब्रशेस कौन से होने चाहिए, अपना फाउंडेशन कैसे लगाते हैं, फिर ब्लश हाईलाइट कॉन्टोर कैसे करते हैं और आई शेडो कैसे लगाते हैं, तो वो सारों के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है। आपको बस प्लेलिस्ट में जाना है और सारे एपिसोड्स देखने हैं। छोटे मोटी चीज़ें हैं जिससे आपका आई मेकअप लुक टोटली पुट टुगेदर लगता है, जो कि सिर्फ काजल और आईलाइनर लगाने से नहीं होता है। तो वो कैसे होता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर लो, बाजू में घंटी बजा दो, ताकि मेरे आगे के वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। ओके, सो आज के वीडियो का पार्ट वन है अपने लोअर लैश लाइन को कंप्लीट करना। इसके लिए हम लोग एक फ्लैट टॉप ब्रश और उसके साथ साथ जो हमने आई शेडो मेकअप लुक के लिए ट्रांजिशन शेड और आउटर कॉर्नर शेड यूज़ किया था, उन दोनों को अच्छी तरह से उस फ्लैट टॉप ब्रश पे उनका मिक्सचर लेके लगाना है अपने लोअर लैश लाइन पर। अब गाइज, हम में से बहुत लोग काजल लगाते हैं, लेकिन बिकॉज हम अपने लोअर लैश लाइन पे अपने आई शेडोज के ट्रांजिशन और आउटर कॉर्नर शेड को लेके ब्लेंड नहीं करते हमारे लोअर लैश लाइन को, इसलिए हमारा लुक बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट और रादर से बहुत खाली खाली सा लगता है। तो ये स्मजिंग से ना आपका पूरा आई मेकअप लुक बहुत ही पुट टुगेदर लगता है। आपका अपर लैश लाइन और आपका लोअर लैश लाइन एकदम सिंक में लगता है। देख सकते हो आप कितना कंप्लीट लग रहा है ये। तो छोटे छोटे स्ट्रोक्स में आपको भरना है अपने लोअर लैश लाइन को, नॉट द वाटर लाइन। अब आते हैं आईलाइनर की तरफ। आईलाइनर लगाते टाइम जब आप अपना ब्रश डिप करते हैं ना आईलाइनर के अंदर, तो आपके ब्रश के ऊपर मैक्सिमम प्रोडक्ट रहता है, तो वो मैक्सिमम प्रोडक्ट आपको अपने मिडिल ऑफ द लिड पर पहले लगाना चाहिए। अक्सर हम गलती ये करते हैं कि हम हमारे इनर कॉर्नर से एप्लीकेशन शुरू करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो आईलाइनर है बहुत मोटा दिखता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट तो वही रहता है। तो आपको स्टार्ट करना है अपने मिडिल ऑफ द लिड से, गोइंग टूवर्ड्स द एंड, और जब सबसे कम प्रोडक्ट बच जाए आपके ब्रश पर, तब आपको लगाना है उसको अपने इनर कॉर्नर पे। तो आप देख सकते हो इससे कितना ज़्यादा अच्छा दिखता है आपका लुक। सेम प्रोसीजर अपने दूसरे आई पे भी अप्लाई कर रही हूँ और देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ये। अब आते हैं काजल की तरफ। काजल भाई कैसे लगाते हैं, आई डोंट थिंक मुझे किसी भी इंडियन लड़की को कम से कम समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि इट इज़ लाइक वन ऑफ दो स्टेपल फूड्स वी हैव, लाइक राइस एंड चपाती। सो हमें अपने वाटर लाइन पे काजल को लगाना पड़ता है, लेकिन एक और स्टेप है जिससे ये पूरा लुक बहुत पुट टुगेदर लगेगा, तो मैं आपको अब बताने जा रही हूँ। वो है उसी फ्लैट टॉप ब्रश के साथ उन्हीं आई शेडोज़ को लेके अपने लोअर लैश लाइन के काजल को और उन आई शेडोज़ को अच्छी तरह से स्मज करके ब्लेंड कर लेना है, ताकि आपका आई शेडो और काजल अलग अलग ना दिखे, दोनों बहुत अच्छी तरह से मिक्स्ड अप दिखे और ब्लेंडेड दिखे। और ये हो गया हमारा आई लुक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एक बार आए हो बार बार आते रहिए। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।